हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMM के में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UGC की गाइडलाइंस के बारे में। जी हां दोस्तों, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो गाइडलाइंस थी वो मंडे को आने वाली थी, हमने आपको बताया भी था वीडियो के माध्यम से, और ऐसा ही हुआ, जो गाइडलाइंस हैं वो आ चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम उस गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो किस सेमेस्टर के होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लीजिए, से फायदा ही होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको उस गाइडलाइंस की तरफ लेके चलता हूँ जो कि UGC ने अभी 15 से 20 मिनट पहले डिक्लेयर की हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक सर का जो ट्विटर अकाउंट है वो यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं MHRD में। यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं, जैसे ही आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग वो ट्वीट देख सकेंगे जो UGC के रिगार्डिंग में डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पहले ये पढ़ लीजिए जो ट्वीट किया गया है UGC जो गाइडलाइंस है, ठीक है, ये मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं जिसमें दे रखा है कि इवेल्यूशन ऑफ द टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स विच हैज़ टू बी डन थ्रू एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई, नाउ देयर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर 2020 फॉलोइंग द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आपके एग्जाम्स जुलाई में होने वाले थे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के, यानी कि फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के, उनके जो एग्जाम्स हैं वो सेप्टेम्बर के मंथ में होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि उनको बिना एग्जाम्स के अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जा रहा, मैं केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, और जो आपके एग्जाम्स हैं वो सितंबर के एंड में किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग यहां पे जैसे ही पीछे आएंगे तो आप लोग यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकेंगे। यहां पर आप लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए, द टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर 2020 इन ऑफलाइन पेन एंड पेपर, ऑनलाइन ब्लेंडेड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो सेप्टेम्बर के मंथ में होंगे, जो जुलाई में होने वाले थे, और जो ये आपका एग्जाम है हो सकता है ये ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, इसका डिसीजन बाद में लिया जाएगा। अभी यहां पर ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको बिना एग्जाम्स के प्रमोट नहीं किया जा रहा, उनके एग्जाम्स होंगे। और जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जिनकी बैक है किसी सब्जेक्ट में उनका क्या होगा, देखिए उनके लिए भी यहाँ पे एक पॉइंट रखा है, द स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरी बी इवेल्यूटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन पेन एंड पेपर, ऑनलाइन ब्लेंडेड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड एज पर फेजेबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग है उनके एग्जाम्स भी होंगे, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं, अगर मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियली डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर के ट्विटर हैंडल अकाउंट से दिखा रहा हूँ, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे आप लोग पढ़ लिए, इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स विल बी एवेल्यूटेड बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट एज पर इश्यूड गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आपकी 29 अप्रैल की गाइडलाइंस आई थी उनके बेस पर बाकी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का शेड्यूल रहेगा, और जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। मगर आपकी जो सबसे बड़ी अपडेट वो यही है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होना कंपलसरी हो गया है अब, यानी कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो सितंबर के एंड में होंगे, और आपको अब ये बात दिमाग से निकाल देनी है कि आपको बिना एग्जाम्स के प्रमोट किया जाएगा। हम केवल बात कर रहे हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की, चाहे वो किसी भी कोर्स के हों या फिर वो इंजीनियरिंग के हों या फिर मैनेजमेंट के हों। मगर यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हों, ठीक है। मगर पे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और सभी स्टूडेंट्स को यहां पे उनके एग्जाम्स होंगे फाइनल ईयर वालों के। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।